नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। फिर मुद्दा आपको पता है, चाइना वर्सेज इंडिया, इंडिया वर्सेज चाइना का चल रहा है। इंडिया ने आपको पता है साथियों, बड़ा कदम उठाते हुए जो गलगान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, वीर सपूत, उनका प्रोसेस यानी उसको बदला नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल करना जरूरी था। 59 ऐप्स है इंडिया के जो टिकटॉक से जो रिमूव कर दिए गए हैं, और लगभग मोबाइलों से रिमूव हो चुके हैं, थोड़ा बहुत है तो भाई हो जाएंगे। इसके बदले की कार्रवाई चीन मानते हुए, जी हाँ, चीन मानते हुए उसने भी कुछ गलत गलत कदम उठाने की उन्होंने सोची है। चीन के विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ये बोला है कि हम जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, हमारे जो ये सोशल मीडिया ऐप बैन करने का, इससे हमें बड़ी चिंता है। ऐसा भारत सरकार को नहीं करना चाहिए था। हम उनका पूरा पालन करते हैं नियमों का, हम उनकी कोई भी जानकारी साझा नहीं करते, हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं लेते, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी वही है नियम को दुहाई देना। लेकिन जो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए कुछ नहीं होने वाला भाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको यहां पे रोज मिलती रहे। तो भाई चीन ने बदले की भावना लेते हुए हमारे भारतीय अखबार वेबसाइट, जी हां साथियों, दो हैं ऐसा जो चाइना में चलते हैं, जो चाइना की ऑनलाइन वहाँ पे लोग अखबार हम पढ़ते हैं ऑनलाइन अखबार, वैसे वो वेबसाइट और अखबार के जरिए इंडिया की न्यूज़ लेते रहते हैं। तो चाइना ने हमारे ऊपर बदले की भावना करते हुए उनको बैन कर दिया आज। हाँ जी हाँ साथियों, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 1 जून की। और उन्होंने बैन भी ऐसा किया कि वो चीनी लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो वीपीएन होता है ना, आप गल्फ में रहते हो, आपको पता है वीपीएन से आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हो, ठीक है, उससे भी वो हमारी वेबसाइट को नहीं खोल सकते हैं, इंडिया की वेबसाइट को। यानी उन्होंने बदले की भावना से हमारी जो दोनों वेबसाइट है उनको बैन कर दिया, ताकि हमारी इंडिया की न्यूज़ वहाँ पे नहीं जा सके। और वो चीनी लोग हमारा रिएक्शन नहीं सुन, उनको पता नहीं लगे कि भी इंडिया के लोग चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, चाइना को कितना बुरा भला कहते हैं, चाइना क्या गुल खिला रहा है इंडिया के साथ। बदले में फिर ये जो कंपनियाँ हैं, एक इंटरनेशनल इनका एक संगठन होता है, DANPA, उन्होंने उनके थ्रू मांग की है कि अगर चाइना ऐसा करता है तो चाइना के जितने भी चीनी निवेश वाले ऐप प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई जाए। जी हाँ साथियों, क्योंकि चाइना ने और भी बहुत सारे ऐप हैं जो चाइना के नहीं हैं, जैसे पेटीएम है और भी बहुत सारे, उनके ऊपर उन्होंने निवेश कर रखा है अपने थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे सिंगापुर के थ्रू कर दिया, दूसरी कंट्री के थ्रू कर दिया, तो वो उनका नहीं है लेकिन वो इनकम करती है उनके थ्रू। तो उन्होंने बोला है जो चीनी निवेश वाले जितने भी ऐप हैं उनको इंडिया में बैन किया जाए, ऐसा उन्होंने सरकार से मांग की है। चाइना हमारे इंडिया में जो गलत न्यूज प्रसारित करता है उनको भी रोका जाए। DANPA के जो चेयरमैन है, अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन है पवन अग्रवाल, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई भारत की अखंडता, संप्रभुता और उसकी सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है, पूरी जितना भी चाइना डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको बैन किया जाए, भारत सरकार से उन्होंने ऐसी मांग की है। ये जो साथियों आपको मैं बता दूं, ये जो धीरे धीरे मान लीजिए या फास्टली तरीके से जैसे भी सवर उठ रहे हैं चाइना के विरोध में, तो कहीं ना कहीं सरकार और भी कड़े फैसले लेगी, ये तय बात है। क्योंकि भाई जनता जब हमारी, हम चाहते हैं कि चाइना का सब कुछ बैन हो तो होने वाला है। और ये ओप्पो ये मोबाइल जो चल रहे हैं इन पे भी 100% आने वाले टाइम में अगर पूरा बैन नहीं होगा तो एक्साइज ड्यूटी इन पे इतनी लाद दी जाएगी कि इनको इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। आज की सिचुएशन में बता दूं साथियों, चाइना हमारे घरों में 80% तक घुस चुका है। आप देखोगे अपनी बॉडी पे, अपने घर पे सब कुछ चाइना पड़ा है। जी हाँ साथियों, जो खरीद चुके, जिसका पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, उसको तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो ये बोलते हैं तोड़ दो, वो तो है मूर्खता की बातें, क्योंकि उनका इन्वेस्ट हो चुका, अब हम तोड़ेंगे तो हमें नुकसान है। आगे हमें सोचना होगा कि चाइना प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बहिष्कार करना है, हमें हमारे देश के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, या फिर अपनी मर्जी से जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन चाइना को सबक सिखाना जरूरी है। दूसरी मैं बता दूं, हमारे भारत का इतना बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका में भी टिकटॉक को मांग बैन करने की मांग उठने लग गई है। वहां की अमेरिकी सांसदों ने भी यह मुद्दा उठाया है कि चाइनीज ऐप हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, तो अमेरिका में भी बैन होने जरूरी हैं। जी हां साथियों, सांसदों ने यह मुद्दा उठाया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अमेरिका भी कड़े फैसले ले ले। जैसे हुए का मोबाइल आता है, अमेरिका ने बैन कर दिया ना, अमेरिका में वो सिस्टम क्लोज कर दिया, सिंगापुर ने हुए को एक अलग संगठन है उससे निकाल दिया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं चाइना के साथ गलत होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी देश बन चुका है जो धीरे धीरे चाहता है कि हम सभी देशों पर हमारा प्रभुत्व, हमारा कब्जा हो।
चाइना की मैं बता दूं 6 से 7 कंट्रियों के साथ लड़ाई चल रही है। अगर हमारी इंडिया के साथ हो तो हो सकता है कोई कहते यार इंडिया गलत हो सकता है, लेकिन चाइना की 6 से 7 कंट्रियों के साथ लड़ाई हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी प्रॉब्लम चल रही है, जापान के साथ उसकी प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका की आपको पता है सबसे ज़्यादा उसके चल रही है, ताइवान, तिब्बत, हांगकॉन्ग, नेपाल के भी कुछ गाँव में उन्होंने कब्जा कर लिया है। 1-2 दिन न्यूज़ पहले आई थी कि भूटान पर भी वो बोलता है कि ये जगह हमारी है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि चाइना आने वाले टाइम में क्या चाह रहा है। तो बड़ी बड़ी कंट्रियां इकट्ठा होकर इनकी बैंड बजाएंगी तभी इसका कुछ हो सकता है भाई। और ये एक बहुत बड़ा कदम इसको मान सकते हैं कि आदमी को मारने के बजाय उसकी कमर तोड़ेंगे ना तो वो ज़्यादा जल्दी घुटने टेकेगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है और आने वाले टाइम में भाई भारत सरकार भी और भी बड़े कदम उठाने की 100% मैं सोच रहा हूँ कि उठाएगी कदम। तो बस साथियों ये जानकारी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद।